बात करते हैं चीन में कोरोना के कोहराम की। बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। यह हालात इस वक्त ड्रैगनलैंड में है। फ्यूनरल होम के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। गाड़ियों में रखे शवों का अंतिम संस्कार होना है और खबर तो यह भी है कि 15-15, 20-20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और फ्यूनरल होने के बाद भी अस्थियां लेने के लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा, उसके लिए भी कतारें लगी। यह हाल इस वक्त है। तो भले ही चीन, भले ही शी जिनपिंग तमाम डेटा, तमाम जानकारी, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये तस्वीरें दुनिया के सामने बड़े सबूत के तौर पर, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है, ये बता रही है कि चीन में कितने भयावह हालात है, भले ही आंकड़ों को शी जिनपिंग छुपा ले। और देखिए एक और बड़ी खबर, चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हैं और इस कदर वहां पर हालात है कि संतरे के लिए लोगों में छीना छपटी हुई है। विटामिन सी के लिए संतरा खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह से विटामिन सी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए काफी हद तक मदद करता है। ये डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जाती है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है। और इन सब के बीच ये देखिए, जैसे ही एक जो शख्स है, ये बताया जा रहा है कि जिस जो दुकानदार है वो संतरे की टोकरी लेकर निकला, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वैसे ही लोग उस पर टूट पड़े। एक एक संतरे के लिए लोग यहां पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे। और देखिए एक और बड़ी खबर, चीन में कोरोना से बचने की कोशिश कैसे हो रही है ये भी आपको दिखाते हैं। दहशत किस कदर हावी है। प्लास्टिक का कवर, ये देखिए किस तरह से छतरी के सहारे प्लास्टिक को चारों तरफ से घेर रखा है, टांग रखा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खुद को दूसरों से अलग रखा जाए, वायरस से खुद को बचाया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो BF7 वायरस है वो चीन में तो बहुत ही ज्यादा कोहराम मचा रहा है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चीन में किस तरह से अब लोग ये खुद ही तमाम जो तरीके ईजाद कर रहे हैं कि खुद को बचाए, क्योंकि वहां पर सरकार के शी जिनपिंग के हाथ से सब कुछ निकलता हुआ फिसलता हुआ नजर आ रहा है।